25 मार्च 2021 दिन गुरुवार को केवलारी विधानसभा के यशस्वी विधायक राकेश पाल ने विभिन्न ग्रामों में ग्राम कन्हान पिपरिया, ग्राम रामपुरी, ग्राम पंचायत कामता, ग्राम पंचायत चुटका, ग्राम सेलवा, ग्राम एवं ग्राम जावना में जनसंपर्क किया। वहीं जनमानस की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया, जिसमें ग्राम पंचायत कन्हान पिपरिया में सभा मंच का लोकार्पण भी किया। जनसंपर्क के दौरान माननीय विधायक ने आम जनमानस को संबोधित करते हुए बताया कि खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का अवतार है। वे आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं। कोविड-19 जैसी चुनौती के बीच उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया, तो हमने इसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना दिया। प्रदेश के यशस्वी सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों के खातों में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1.20 लाख करोड़ डाले गए हैं। हमने तय किया है कि किसी भी गरीब को बिना मकान के नहीं रहने देंगे। मेरी गांव की बहनों, आपको हैंडपंप या कुएं पर पानी भरने के लिए नहीं जाना होगा। अगले 3 वर्षों में हर गांव में घर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए हम संकल्पित हैं। मेरे स्वयं सहायता समूह की माताओं और बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपये हो, इसके लिए हम उन्हें 2% ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। बाकी का बचा हुआ ब्याज सरकार भरेगी। और हमारे प्रदेश के बेटे और बेटियों की सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध हटाकर आपके रोजगार का रास्ता साफ किया है। विधायक श्री पाल के इस जनसंपर्क कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष योगेश चंद्रवंशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश राय और दिलीप बघेल एवं रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष कर्ण आगा खान और साथी में अशोक ठाकुर, भोला बर्मेया, सुधामा पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम चंद्रवंशी, सतीश जैन, संतोष ग्वाल वंशी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष इंद्र कुमार जंघेला, महामंत्री मनीष अवधिया और साथी में भोमा सरपंच श्री राम साहू, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष संतोष अमरोदिया, मदन शिववंशी, लकेश सिंह भारद्वाज और राकेश मोदी सहित नायब तहसीलदार निधि शर्मा, थाना प्रभारी अजय मरकाम सहित पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत समन्वयक अधिकारी एवं समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राजेश शिवहरे की रिपोर्ट।